हिंदू समाज को एकजुटता का सबसे बड़ी चुनौती अभी क्या है सर, जो आप देखते हैं अपनी नजरों से? सर, धर्मांतरण और लव जिहाद को आप कैसे देखते हैं, चूंकि आपकी सरकार है सर? अभी हम हिंदू स्वाभिमान यात्रा में पूर्णिया में है और हमारे ठीक बगल में आप बीजेपी के जिला अध्यक्ष, पूर्णिया जिला अध्यक्ष राकेश जी है। अभी इनसे जानेंगे कि आखिर इस तरह का जो यात्रा निकाला जाता है स्वाभिमान यात्रा, इसकी क्या जरूरत पड़ी और हिंदू समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। हमारे साथ आदरणीय राकेश जी के जिला अध्यक्ष हैं पूर्णिया के। तो सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हिंदुस्तान में ही हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने की क्या जरूरत पड़ गई? हिंदू को एकता में लाने के लिए, हिंदू को एकजुट करने के लिए, उनको अपने संस्कृति से जोड़ने के लिए। वो अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, लोग अलग अलग जातों में बट जा रहे हैं। हिंदू प्रथम हिंदू है, बाद में जात, सभी को हिंदू को हिंदू कहना चाह रहे हैं। इसी के लिए ये उद्देश्य इस यात्रा के द्वारा हिंदू समाज को क्या संदेश देना चाहिए? बस एकजुट होइए, नहीं एकजुट होइएगा तो आने वाले समय में कई जगह पर परेशानी हो रही है। हिंदू को एकजुट होना पड़ेगा, हिंदू को जात पात से बाहर निकलना पड़ेगा। यही अनुरोध के साथ ये कार्यक्रम किया जाए। हिंदू समाज को एकजुटता का सबसे बड़ी चुनौती अभी क्या है सर, जो आप देखते हैं अपनी नजरों से? मेरे नजर में हिंदू में अपने हिंदू होने से ज्यादा जात का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है और ऐसे लोग जो है राजनीतिक दृष्टि से इस बात जात पात में भेद करके हिंदू को अलग करने का प्रयास कर रहे हैं, तुष्टिकरण की राजनीति करके इसको कहीं ना कहीं हमारी जो इतनी पुरानी सनातन संस्कृति है, ये जो धर्म है, उसको तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं सिर्फ अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए। सर, धर्मांतरण और लव जिहाद को आप कैसे देखते हैं, चूंकि आपकी सरकार है सर? मेरी नजर में बिल्कुल गलत। अगर हम किसी से छुप करके अगर शादी करते हैं तो शादी का वैल्यू क्या रह जाता है? क्योंकि हम जिस घर से पले हैं, जिस संस्कार में पले हैं, अचानक उस संस्कार को चेंज करके लोग गलत बातों को कह करके अपने आप को हिंदू बता करके, जो मुस्लिम है वो हिंदू बता करके शादी कर लेते हैं, ये गलत है, नहीं होनी चाहिए, ये किसी भी धर्म में नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है सर? आप तो चूंकि सरकार में है तो इससे संबंधित कोई ठोस कानून का सरकार तो है इसमें कि सरकार धर्म जब वो बिना बताए हुए झूठ के नाम पे अगर कोई शादी करता है तो उसमें कड़ा प्रावधान है, इसमें बिल्कुल कड़ा प्रावधान है, अपने संविधान में उसका प्रावधान है। मतलब जब तक हिंदू एकजुट नहीं होगा तो कोई कानून काम नहीं करेगा? नहीं, हिंदू को एकजुट होना पड़ेगा। अगर भारत की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, तो हिंदू को एकजुट होना पड़ेगा। अगर हिंदू एकजुट नहीं होगा तो जिस तरीके से सीमांचल में ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में जिस तरह भुटपटिया घुस गया है, वो भुटपसियों के द्वारा जो ये चल रहा है आपका भूमि का, जो जिस तरह का ब्रोकर वगैरह का जो भूमि माफिया हो गए हैं, इसमें बहुत चिंता का विषय है। इसमें जरूर गंभीरता से हिंदू को एक होकर के आगे बढ़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। अभी हमारे साथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष राकेश जी थे। अपना हिंदू धर्म, हिंदू समाज पर अपने विचार रखे, स्पष्टता से रखे। इसी तरह हम देखते हैं और भी अगर हिंदू प्रवक्ता कोई होते हैं जो इस पर विचार रखे तो हम उनसे बात करेंगे। कुछ माताएं भी हमारे साथ हैं, हम प्रयास करेंगे बात करने का। धन्यवाद।